सैटेलाइट हॉस्पिटल कालाकुआं अलवर में अब मरीजों को सोनोग्राफी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अस्पताल में आज नई सोनोग्राफी मशीन आ चुकी है और जल्दी ही सोनोग्राफी मशीन को अस्पताल में लगाया जाएगा। अब तक अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन नहीं थी। यहां पर दिखाने आने वाले मरीजों को सोनोग्राफी कराने के लिए राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भेजना पड़ता था, लेकिन अब मरीजों को जिला अस्पताल में जाने की समस्या खत्म हो चुकी है। अब हाथों हाथ सैटेलाइट हॉस्पिटल में मरीजों की सोनोग्राफी हो जाएगी। इस मामले को लेकर हॉस्पिटल प्रभारी जीएस राठौर ने बताया कि सैटेलाइट हॉस्पिटल में सोनोग्राफी मशीन नहीं थी, जिसके लिए मरीजों को काफी परेशानी हो रही थी। मरीजों को परेशान होता हुआ देख जिला प्रशासन व सरकार से सोनोग्राफी मशीन लगाने की मांग की गई थी। उसके बाद अब नई सोनोग्राफी मशीन अस्पताल में आ गई है और जल्दी ही सोनोग्राफी मशीन को लगाकर शुरू कर दिया जाएगा। सोनोग्राफी मशीन अस्पताल में नहीं होने से मरीजों को सैटेलाइट हॉस्पिटल से सामान्य अस्पताल में भेजना पड़ता था। ऐसे में मरीजों को परेशानी होती थी, लेकिन अब उनकी इस परेशानी को दूर कर दिया गया है। मरीजों को क्या है, इससे बड़े अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, अपने जनाना अस्पताल जाना पड़ेगा, समय की बचत होगी और फ्री ऑफ कॉस्ट सोनोग्राफी यहीं पे संभव हो पाएगी। पहले क्या व्यवस्था थी यहाँ पर? पहले हम पेशेंट को जनाना अस्पताल भेजते थे, जनरल अस्पताल भेजते थे, उससे क्या समय बहुत लगता था पेशेंट को, और कई बार तो पेशेंट को बाहर से भी सोनोग्राफी करवाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। अच्छा, कितनी लागत से आई है ये? 20 लाख लागत की मशीन है, RMSCL जयपुर से आई है।